एक जून को मतदान के बाद से ही बलिया शहर के तिक्खमपुर स्थित नवीन मंडी मतगणना स्थल के बाहर इंडिया गठबंधन के नेता एवं समर्थक ईवीएम की निगरानी में लगे हैं। हालांकि मतगणना स्थल के भीतर स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में, लेकिन सपा के समर्थकों को सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं है। सपा नेता बीरबल राम का कहना है कि मतदान के बाद जैसे ही सारे ईवीएम मशीनें मतगणना परिसर में पहुंची, तभी से सपा के नेता ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। यह निगरानी मतगणना समाप्त होने तक जारी रहेगी। बीरबल राम ने आरोप लगाया कि भाजपा ईवीएम के साथ कभी भी खिलवाड़ कर सकती है, लिहाजा निगरानी जरूरी है। आपको बता दें कि बलिया लोकसभा और सलेमपुर लोकसभा सीट पर हुए मतदान के ईवीएम नवीन मंडी पहुंच चुके हैं। यहां हम लोग निगरानी कर रहे हैं ईवीएम मशीन का। कल वोट हुआ और वोट होने के बाद ईवीएम मशीन यहां आई है। अभी हमारे साथ समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के लोग हैं, ये सेना से रिटायर हैं लोग, ये जवान हैं लोग, ये लोग भी रात से लगे हुए हैं कि मशीन में कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, मशीन के साथ कोई सी घटना न घट जाए जिससे हम लोगों का नुकसान हो जाए और सरकार हम लोग के साथ छल न कर पाए, इसलिए हम लोग निगरानी कर रहे हैं। ये जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग मुस्तैदी से निगरानी करते रहेंगे। फिर भी व्यापारी परेशान हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत में हम सरकार बनाएंगे, इसलिए हमें शंका बन रहा है कि आखिर में ज़मीन पर इनका इतना विरोध होने के बाद ये क्यों कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। इसके पीछे जरूर कोई शंका है, मशीन में कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, मशीन को बदल सकते हैं, इनके अधिकारी कर्मचारी कोई ना कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए हमें संशय है, डर बना हुआ है। जब तक गणना नहीं होगा तब तक हम लोग मशीन को देखते रहे। रात से ही है, जब चुनाव हो गया है और वहाँ से केंद्र से मशीन जब चली है मतदाता केंद्र से, वहीं साथ में हम लोग आए हैं और अब तक हैं। जब तक गणना नहीं हो जाएगा तब तक रहेंगे।